जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 238 के लीक्स आ चुके हैं और इस चैप्टर में हमें पता चलती है सुकुना की ट्रू फॉर्म। चैप्टर के स्टार्टिंग में काशिमो सुकुना की ट्रू फॉर्म को एनालाइज कर रहा होता है और इससे हमें पता चलता है कि सुकुना के चार हाथ है और दो मुंह है। जो उसका दूसरा मुंह है वो उसके पेट पर है और सुकुना अपने दोनों हाथ यूज करके हैंड साइंस भी बना सकता है और बाकी के दोनों हाथ से वो फाइट भी कर सकता है। और क्योंकि उसके पास दो मुंह है तो वो इजिली फाइट के बीच में चैंट्स भी कर सकता है। अगर तुम सोर्सरर हो और तुम्हारे पास दो हाथ और दो मुंह है तो इससे बड़ा एडवांटेज कुछ नहीं हो सकता तुम्हारे लिए। इसके बाद नैरेटर हमें सुकुना के कुछ पास्ट की चीजों के बारे में बताता है, जिसमें वो बताता है कि सुकुना अपनी इस फॉर्म में दो कर्स टूल भी इस्तेमाल करता था जिनका नाम था कामुतोके और ये थे। और इसी सुकुना ने इलाइट सेलेस्टियल स्क्वाड और फाइव वॉइड जनरल्स को जो कि फुजीवारा होके ब्रांच के अंदर सर्व करते थे उनको मारा था। इसके बाद सुकुना एक मारता है काशिमो को और वो दूर जाके गिरता है। फिर सुकुना वही अटैक यूज करता है जिससे उसने गोजो को मारा था और सुकुना का ये अटैक इतना पावरफुल है कि ये वर्ल्ड को फाड़ सकता है। इसके बाद सुकुना बताता है कि एक टाइम पे कोई था जिसने उसे प्यार समझाने की कोशिश करी थी और उसके अकॉर्डिंग मैं प्यार के बारे में कुछ नहीं जानता क्योंकि मैं अपने लेवल का किसी को नहीं समझता, पर अब मुझे समझ आ रहा है वो क्या कहना चाहती थी। लेकिन फिर भी उसने गलत आदमी को चुना ये सब समझाने के लिए। काश वो अगर तुम्हें और गोजो को समझाती तो तुम दोनों उसके लिए सही कंपनी बनते। इतना बोल के सुकुना फिर से काशिमो पे अटैक करने लग जाता है। सुकुना एक के बाद एक स्लैश अटैक करता है काशिमो पर जिससे काशिमो का बचना नामुमकिन था। और फिर हमें दिखाते हैं सुकुना और काशिमो की आफ्टर लाइफ कन्वर्सेशन जिसमें सुकुना उससे बोलता है कि मुझे पता है तुम्हें बहुत सारे लोगों ने चैलेंज करा होगा और तुमने उन सबको मार दिया होगा, पर तुम्हें क्या लगता है कि उन लोगों ने तुम्हें चैलेंज किस लिए करा? वो लोग सिर्फ अपने को एक्नॉलेज कराना चाहते थे कि उन लोगों ने तुम जैसे एक स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे से फाइट करी और तुमने उन्हें मार के कुछ गलत नहीं किया, तुमने वही करा जो वो चाहते थे। इस सबसे सुकुना काशिमो को समझाना चाहता था कि वो लोग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है तो उन्हें किसी को प्यार करने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्ट्रॉन्ग वंस को तो लोग खुद प्यार करते हैं। फिर काशिमो सुकुना से कहता है अगर तुम इतने सेटिस्फाइड थे तो तुमने अपनी सोल को कर्स्ड ऑब्जेक्ट में रख के इमोर्टेलिटी को क्यों चुना? तो सुकुना बोलता है कि पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कि लव एकदम वर्थलेस है और ये थॉट कि मैं अकेला हूँ मुझे कोई चाहिए जो मुझे पूरा करे ये मेरे दिमाग में कभी नहीं आया। जब जो मेरा मन करता है वो मैं करता हूँ और जो मुझे अच्छा नहीं लगता उसे मैं मार देता हूँ। मैं हमेशा अपने तरीके से जीता हूँ और अगर किसी को मुझसे दिक्कत है तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं। फिर काशिमो हंसता और बोलता है लगता है अब तो तुम्हारा मन मर गया होगा। तो इसके रिप्लाई में सुकुना कहता है कि इंसान जो है वो बहुत ही डाइवर्स है और हर किसी को मारने में अपना अलग ही मजा है और मैं ये स्वाद तब तक लेना चाहता हूँ जब तक मैं मर नहीं जाता। बस अब काशिमो की डेथ हो जाती है। फिर हमें प्रेजेंट टाइम वाला सुकुना दिखाते हैं जो कि आसमान की तरफ देख रहा होता है और तभी एंट्री होती है इटाडोरी और हिगुरुमा की। और यहाँ हम देखते हैं कि इटाडोरी कुछ अलग दिख रहा होता है, वो बिल्कुल वैसा दिख रहा होता है जब सुकुना उसकी बॉडी में था। तो इसका मतलब तुम समझ रहे हो अभी जो सुकुना हमें दिख रहा है वो है 19 फिंगर्स वाला सुकुना और उसकी एक फिंगर अभी भी मिसिंग है। और अब इटाडोरी जो कि हमें अपनी सुकुना वाली फॉर्म में नजर आ रहा है तो इसका मतलब वो एक फिंगर इटाडोरी ने खा ली है। तो इसी के साथ चैप्टर यही हो जाता है खत्म और अब अगले एक हफ्ते के लिए ये लोग ब्रेक ले रहे हैं, इसलिए अब अगले चैप्टर में क्या होने वाला है उसे जानने के लिए हमें 2 हफ्ते का वेट करना पड़ेगा। सो बाय फॉर नाउ, अब मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो।